कृष्णा, आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा एवं उसका महात्म्य। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मा एकादशी अथवा परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार चातुर्मास के दौरान आने वाली एकादशी का महत्व देवसैनी और देव प्रबोधिनी एकादशी के समान ही होता है। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के शयन के दौरान करवट लेते हैं, इसीलिए देवी देवता भी इनकी पूजा करते हैं। पुराण के अनुसार इस एकादशी पर व्रत और पूजन करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इच्छा पूर्ति होती है। इस दिन भक्तों को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। वासुदेव ने युधिष्ठिर को बताया। पद्म पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से समझने की विनती की। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें सभी एकादशियों का महत्व बताया। इसी क्रम में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा और महत्व को भी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसकी व्रत और पूजा विधि एवं इसका महात्म्य विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की विनती स्वीकार की और बोले, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मा एकादशी अथवा परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर व्रत और पूजन करने से पापों का नाश होता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और इच्छा पूर्ति होती है। इस दिन भक्तों को मेरे वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान युधिष्ठिर को पूजा विधि, व्रत का महत्व और व्रत की कथा सुनाते हैं। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद, सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ आयोजन करता और गरीबों को भोजन करवाता था। वह जितना धार्मिक था उतना ही सूरवीर भी था। एक बार उसने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया। स्वर्गलोक देवताओं से छीन जाने से देवतागण परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों तथा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनती सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना पांचवा अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या पाओगे। लेकिन वामन अपनी बात पे अड़िग रहे, पर राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश माप लिए। इस पर वामन ने 3रे पग के लिए पूछा कि राजन, अब 3रा पैर कहाँ रखूँ? इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वो पहचान गए थे कि वामन कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। वामन रूप में मौजूद भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल लोक वापस जाने के लिए कहा। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि चातुर्मास अर्थात 4 माह में
उनका एक रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के साथ पाताल में उस राज्य की रक्षा के लिए रहेगा। इस दिन राजा बलि ने भगवान से अपने साथ रहने का वर मांगा तो भगवान बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। जो लोग विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस दिन भगवान को कमल अर्पित करने से भक्त उनके और अधिक निकट आ जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है, अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। धार्मिक आस्थाओं के आधार पर इस एकादशी के दिन चावल, दही, तांबा और चांदी की वस्तु का दान करना अति शुभ फलदायी देता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान को स्नान करवाएं, फूल पत्तों और खासकर कमल के फूल से उनका मंदिर सजाएं, रोली का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करें और मिठाई से भोग लगाएं, विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। तो इस तरह से हमने आज एकादशी की कथा सुनी। मुझे आशा है आप सबको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।